दिल्ली शराब नीति केस में सीबीआई के बाद अब ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। जो आज एजेंसी आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी। यहां एजेंसी उनके डिमांड मांग सकती है, रिमांड मांग सकती है। बता दें कि सिसोदिया को ईडी ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया। उधर सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दोपहर 2:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया ने को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था।